Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my students and my viewers. Students, we are starting properties of light, and in the properties of light, we discuss about the how reflection occurs. कैसे reflection जो है वो वाकया होता है, कैसे reflection जो है वो होता है जब जब भी light जो है किसी shiny surface पे पड़ती है, तो उसके साथ reflection कैसे बनता है. Reflection occurs when a light ray strikes on a shiny surface. शाइनी सरफेस लाइक अ मिरर एंड बोन्स ऑफ, जब शाइनी सरफेस पे लाइट पड़ती है वो उससे स्ट्राइक होने के बाद बोन्स ऑफ करती है. द रे दैट स्ट्राइक्स द शाइनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. यहां पर अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो इसमें ये रे जो कि लाइट रे है, लाइट रे जो कि इंसिडेंट रे कहलाती है, जब एक शाइनी सरफेस ये मिरर बनाया है इस पर पड़ती है, इसे स्ट्राइक करती है, तो इसे स्ट्राइक करने के बाद ये रे पलट जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे की सूरत में. इंसिडेंट रे जब किसी शाइनी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो यहां से ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्लेक्शन का बिहेवियर शो करती है, और रिफ्लेक्टेड रे की सूरत में इसे बोन्स ऑफ हो जाती है, पलट जाती है. द रे दैट स्ट्राइक द शाइनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. द रे दैट बोन्स ऑफ इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. The point at which incident ray strikes is called the point of incidence. इसे क्या कहते हैं, point of incidence, जहां पर incident ray जो है strike करती है, इसे point of incidence कहते हैं. The line perpendicular on the point of incidence is called normal. ये line जो dotted line में आपको नजर आ रही है इसको हम normal कहते हैं. Normal. Incident ray forms एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल. इंसिडेंट रे एक जो है इंसिडेंट एंगल बनाती है किसके साथ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ, जिसको हम आई से डोनेट करते हैं. इसी तरह द एंगल दैट रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म्स द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज डोनेटेड बाय आर. ये है जी तमाम वो बातें जो कि हम हाउ रिफ्लेक्शन अकर्स में जाना है. आज हमने क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंट रे की स्ट्राइक करती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो रे रिफ्लेक्ट करती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल जो है वो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर होता है, जो कि हमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान दोनों एंगल्स को शो करने के लिए ड्रा करना पड़ता है. आगे है जी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबेज सर्टन लॉज दैट आर, नंबर वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लाइट के लॉ है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दूसरा पॉइंट क्या है, इसका दूसरा लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. अब जैसे कि देख रहे हैं सारे एक ही प्लेन पर हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सारे के सारे एक ही जगह पर हैं, एक ही प्लेन पर हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ये दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का. क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द सेम प्लेन, एक प्लेन पर होते हैं, एक जगह पर होते हैं. ये है जी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको ये समझ आया है तो मुझे एक थम्स अप लाइक जरूर दिया कीजिए. अल्लाह हाफिज़.